हाँ यहाँ देखिए चैप्टर 8 बता रहा हूँ क्लास 9th मैथ का। और यहाँ पे इस समय जो थ्योरम बता रहा हूँ मैं, मिड पॉइंट थ्योरम, ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है और आपके एग्ज़ाम में ये जहाँ तक है आती ही है, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि ना आए ये। इसीलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है पहले ही, ठीक है ना। दो तरीके से पूछी जा सकती है, दोनों तरीके लिखे हुए हैं, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, या तो ऐसे लिख के आएगी या फिर इस तरह से लिख के, ये स्टेटमेंट होता है इसका। अगर ये लिख के आएगी तो भी स्टेटमेंट लिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह लिख के आएगी तो फिर ठीक है। अब ये लिखा क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, फिर से देखते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे हम, ठीक है ना, तब समझ में आएगा आपको। देखिए एक ट्राइंगल बनाता हूँ मैं, एक ट्राइंगल बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। अब ट्राइंगल यहाँ पे नाम रख दिया मैंने ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ फिर से पढ़ते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देखिए ये दो साइड के मिड पॉइंट मान लो ये ले लिए हमने, ठीक है ना, दो मिड पॉइंट ले लिए ए बी सी, तो यहाँ डी और यहाँ ई मान लो, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करेगी जो लाइन, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो है इसके पैरेलल होगी थर्ड साइड की, ठीक है ना, एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट, और ये इसके आधी होगी। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ आप देखेंगे तो क्या टू प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई इजगल टू हाफ ऑफ बी सी। जो यहाँ लिखा है वो ये लिखा है, कैसे लिखा है फिर से एक बार समझते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए शुरू में। क्या लिखा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये दो साइड है ए बी और ए सी, इनके मिड पॉइंट डी और ई है। इसको अगर आपने क्या किया, मिला डी को, ये जो लाइन सेगमेंट डी है वो क्या क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल, ये लिखा हुआ ना, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो तीसरी साइड तो यही बी सी बची, इन दोनों के बाद तीसरी साइड तो यही होगी ना, तो पैरेलल किसकी होगी, थर्ड साइड की, यानी डी पैरेलल बी सी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और इसके आधे के इक्वल होगी, किसके बी सी के आधे के इक्वल, तो डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए अब आगे हम यहाँ पे देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या करना है हमें। कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे डी ई को, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करेंगे कि डी ई और ये, यहाँ से मान लो एफ पॉइंट मान लें हम, ए बी सी डी ई एफ मान लिया एक पॉइंट, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर हो, यानी डी ई इजल टू ई एफ ओ, इतना प्रोड्यूस करेंगे, और इसी के इसके जिस जिस तरह से इसके पैरेलल ये लाइन एक ले लेंगे, एक लाइन ये इसके पैरेलल डी बी के पैरेलल एक लाइन सी एफ खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट डी ई, डी ई को हमने प्रोड्यूस किया आगे बढ़ाया, ठीक है ना, टू एफ, एफ तक आगे बढ़ाया, ठीक है ना, सच दैट, यानी कि इस प्रकार आगे बढ़ाया हमने कि डी ई इजल टू ई एफ, ये और ये बराबर हैं, ठीक है ना, एंड एंड ज्वाइन एफ सी, और इस एफ सी को ज्वाइन कर दिया हमने,
ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात, ये कंस्ट्रक्शन की है थोड़ा। अब देखिए इसकी जो शुरुआत हम करेंगे वो कैसे करनी है, ये आपको हमेशा याद रहेगा। हम मैं वापस, क्योंकि देखिए कोई थ्योरम शुरू कर रहे हैं तो वहीं ज़्यादातर भूलते हैं कैसे शुरू करना है। इसे शुरू करना है तो बहुत आसान तरीका है, ये जो डायग्राम बन रहा है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्वेंस करेंगे पहले हम, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को। ये देखिए एक इसका जो शेप है वो कैसा है, डमरू जैसा शेप है, ठीक है ना। नहीं मैं इसकी डायग्राम की बात कर रहा हूँ, डायग्राम में देखिए शेप कैसा है इसका, बिल्कुल डमरू जैसा ही है, इस तरह डमरू बनता है। तो पहले ये डमरू जैसा जो शेप बन रहा है उसको सॉल्व करना है आपको। तो ये हमेशा याद रहेगा आपको कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत याद रहेगी। तो देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, देखिए सारा डायग्राम से देखिए लिखेंगे, फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लेंगे हम दोनों, ए डी ई या डी ई ए लिख दो कुछ भी, ठीक है ना। ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी एंड सी ई एफ, एंड ट्राइंगल सी ई एफ, यानी कि हम इसी शेप, ये जो शेप बन रही है इसी शुरुआत करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंस शुरू करेंगे पहले हम, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये तो जो है डी ई इज इक्वल टू ई एफ, ये तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया उसमें बताया था इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इसका एक एक स्टेप ध्यान से लिखना क्योंकि इम्पोर्टेंट थ्योरम में आती ही है ज़्यादातर, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इजकल टू एंगल सी ई एफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब एक और ढूंढना है आपको, देखो यहाँ ई मिड पॉइंट है ना, डी और ई मिड पॉइंट है, वही तो यहाँ लिखा नहीं है। देखो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो डी और ई मिड पॉइंट थे, तो फिर ये ए ई इजकल टू ई सी हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे ए ई इजकल टू ई सी, यहाँ लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट, क्योंकि ई ई मिड पॉइंट है थोड़ा यहाँ से, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट है ई, ठीक है। तो ये भी हो जाए। अब यहाँ पे क्या आया, ये साइड एंगल साइड बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गए, ए डी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल सी ई एफ। अब इसे कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के पीछे हमारा क्या मोटिव था, ये देखिए एक्चुअल में, अब थोड़ा समझिए ध्यान से, एक्चुअल में हमें लाना क्या है, डी ई पैरेलल बी सी लाना है और डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी लाना है। तो डी ई पैरेलल बी सी लाना है हमको, डी ई पैरेलल बी सी लाना है। तो ये पैरेलोग्राम प्रूफ करना है हमारा मेन मकसद, क्या है कि डी एफ सी बी या डी बी सी एफ कैसे भी मान लो, ये जो है ये पैरेलोग्राम प्रूफ हो जाए। अब ये पैरेलोग्राम कैसे प्रूफ होगा, जब ये और ये इक्वल और पैरेलल होंगे लाइन, या फिर ये और ये। तो अब इसको पैरेलोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, इस लाइन की और इस लाइन की ज़रूरत है, और एक अल्टरनेट एंगल की ज़रूरत है। तो वो सी पी सी टी से हम यहाँ ले लेंगे, ये हमें फ़ायदा मिलेगा एक, ठीक है ना। क्योंकि पैरेलल लाइन कब होती है, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, ये भी एक कंडीशन होती है, थोड़ा बहुत याद हो पहले का। तो यहाँ तक हम आ गए, तो अब बाई सी पी सी टी से हम क्या करेंगे, नाउ इसके आगे अब देखिए, तो अब हमें एक तो ये चाहिए ए डी इजकल टू एफ सी या सी एफ लिख सकते हो, ठीक है, ए डी इजकल टू एफ सी, ये इक्वल हमने बता दिया, तो ये जो है ठीक है। और इसके अलावा, और इसके अलावा हमें एक अल्टरनेट एंगल चाहिए, तो अल्टरनेट एंगल हम कौन सा ले सकते हैं,
देखो ये और ये देखो जेड जैसा बन रहा है, देख लो ठीक है ना। तो अल्टरनेट एंगल कौन सा लिया हमने, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई। ये दोनों चीजें बाई सी पी सी टी आ गई। अब मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हमें चाहिए था और इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए ये सी पी सी टी से लिया है। ये नहीं कि हमें रटना है कि ये हमें यही ले, ये इसका रीजन बता दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ तक आ गए आप। अब देखिए ये और ये तो बराबर है क्योंकि डी मिड पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे नाउ, देखो ए डी इज इक्वल टू डी बी है हमारे पास यहाँ, इसको हम चाहें तो इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है ना। ए डी इज इक्वल टू डी बी है, ए डी इज इक्वल टू डी बी क्यों है, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है डी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है ए डी इक्वल टू डी बी है। अब यहाँ पे ए डी बराबर, यहाँ पे एफ सी है तो ए डी बराबर, देखिए ए डी की यहाँ इसकी ए डी, ए डी बराबर एफ सी है तो ए डी बराबर यहाँ पे क्या है डी बी, तो डी बी बराबर भी तो एफ सी हो जाएगा, इसके बराबर भी आ जाएगा डी बी। देखो इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, अभी समझ में आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं डी बी, डी बी इक्वल टू एफ सी, ये और ये हमें बराबर चाहिए थे। और देखो कैसे बराबर आएगा, डी बी इक्वल टू ए डी है और ए डी इक्वल टू एफ सी है, तो डी बी इक्वल टू एफ सी हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि ए डी से ए डी कट जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ इसके क्वेश्चन थर्ड मान लीजिए, ठीक है ना। ये डी बी इक्वल टू एफ सी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए ये यहाँ से इसको देखें तो ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे देखो ये जो हमने अभी यहाँ पे जो लिया था ये एंगल इक्वेशन फर्स्ट में हमने, ये कैसा है अल्टरनेट एंगल है। देखिए यहाँ लिखेंगे एंड एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल सी एफ ई, ये कैसा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो फिर वो दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ए डी पैरेलल, ए डी पैरेलल एफ सी। इसको फिर से समझो थोड़ा सा और ध्यान से। देखिए अगर कोई दो लाइन है इस तरह से, एक इस तरह से कोई लाइन गई है, ठीक है, तो ये और ये अल्टरनेट हो गए ऐसे जेड जैसे बन रहा है, ये जैसे ये मैंने माने यहाँ, ठीक है ना। इसमें ये लाइन ऐसी गई है तो किस तरह से है, अगर मान लो दो ये इस तरह से है, सॉरी ये है, ये वाले ये एंगल दो ऐसे आ रहे हैं, ये जेड जैसे बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं ये दोनों। अगर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, इसीलिए ए डी पैरेलल एफ सी लिख दिया है हमें, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फोर मान सकते हो आप। अब मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देखिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखिए, तो यहाँ अभी तो ए डी, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा और एक काम करेंगे, इसको इक्वेशन यहाँ मत मानिए। देखो ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी की जगह पे डी बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे डी बी पैरेलल एफ सी, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, देखिए डी बी पैरेलल एफ सी, ठीक है ना। अब देखो डी बी पैरेलल एफ सी, इसको इक्वेशन फोर मान लो, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देखो डी बी इक्वल टू एफ सी, डी बी पैरेलल एफ सी, दोनों इक्वल और पैरेलल हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे वन अपोजिट साइड
आर इक्वल एंड देखो वन अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया डी बी सी एफ। इसलिए डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, डी बी सी एफ पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो हमें जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा, देखो डी पैरेलल बी सी, डी देखो डी एफ पैरेलल बी सी होगा तो डी पैरेलल बी सी भी हो जाएगा। देखिए पैरेललोग्राम में तो देखिए हम लिखेंगे नाउ डी एफ पैरेलल बी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं डी ई पैरेलल बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल आधी लाइन भी तो पैरेलल होगी जब पूरी लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो एंड एंड अब देखिए ये आधी लाइन है तो ये क्या होगा, ये इस पूरी लाइन के ये और ये तो बराबर ही है तो ये हाफ होगी, इससे सीधे सीधे दिख रही है, तो एंड लिख देंगे डी ई, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है ना। ये आपके मिड पॉइंट थ्योरम बिल्कुल प्रूव हो गई है, ठीक है ना। जहाँ तक जितनी मैंने कोशिश की है समझाने की, जितना मैं समझा सकता था उतना मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा प्रेस देखिए, जो बच्चों को मैं ये और बता दूँ, ये प्रैक्टिस बेस है, एक बार आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा ठीक है ये ऐसे ऐसे किया, उसके बाद आप खुद लिख के देखो, कम से कम दो बार लिख के देखो इसे, और अगर नहीं फिर भी आ रही तो तीन बार भी देखो, दो तीन बार लिख के देखो इसको, तो ये फिर आप बिना देखे पेपर में आराम से कर लोगे। देखिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थ्योरम है जितनी हो सकती थी उतनी मैंने समझा दी है, जहाँ तक है काफ़ी मैंने ये हर एक चीज़ बता दी क्या कैसे आया है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ